Hey guys, welcome back to another episode of Pokemon Rove. तो guys, I know बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी. I'm so sorry for that. मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ. गाइज डोंट वरी, नेक्स्ट मंथ से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, बिकॉज मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोज़ डालने का नेक्स्ट मंथ से. डोंट वरी, आप लोग ऐसा मान के चलो कि नेक्स्ट मंथ से वीडियोज़ रेगुलर आना स्टार्ट हो चुकी है. ओके तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिफीट कर दिया था ब्रॉली को, जो कि डिफॉल्ट स्टडी का जिम लीडर था. एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग चैलेंज करने वाले हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न तो स्पाइडरमैन में होता है. नॉर्मन को हम लोग चैलेंज करेंगे, जो कि इस गेम के हमारे डैड भी है. हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में मेरे डैड के चमचों को हराने का ट्राई किया था, लेकिन उनके लेवल्स थोड़े ज़्यादा थे, यानी कि मेरे पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत थी. सो मैंने इन बीच के दिन में वही किया. एंड अब मेरे पास खुद का सैलामेंस है, बिकॉज ये लेवल 50 पे इवॉल्व हो जाता है. दैट मीन्स मैंने मेरे पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग कर ली. जी हाँ गाइज, मैंने मेरे सारे पोकेमॉन को 50 तक ट्रेन करके रखा है. सो आज के एपिसोड में हम लोग सीधा जाके जिम को चैलेंज करेंगे. एंड वेट, चलो अंदर जाते हैं. अरे भाई चल अंदर. ओके एंड वीडियो बड़ा ना हो सके इसलिए मैंने ऑलरेडी इन चमचों को हरा के रखा है, बिकॉज मैं तब ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने इनको हरा के रख दिया था गाइज, ताकि वीडियो खाली पीली बढ़ाना हो जाए. आई होप सो. लेकिन वैसे भी मैं वीडियो बड़ा बनाने वाला हूँ, पर ठीक है, मैंने बस पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए इनके साथ फाइट कर ली थी. सो ये रहे मेरे डैड. एंड अगर आपको नहीं पता कि आप लोग इस गेम में कैसे अपने पोकेमॉन को फॉलो करने के लिए बोल सकते हो, सो सबसे पहले बात तो ये कुछ ही पोकेमॉन्स पे अप्लाई होता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दैट आपका पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व होना चाहिए. जैसे कि सैलामेंस लास्ट स्टेज है, एरोडैक्टल का तो कोई इवोल्यूशन स्टेज ही नहीं है, लेकिन जैसे हम लास्ट स्टेज है वैसे. लेकिन कुछ कुछ पोकेमॉन पे ही काम करता है, जैसे कि एरोडैक्टल हो गया, एलेक्जाम हो गया, सैलामेंस हो गया. आई गेस कैंटो के सारे स्टार्टर्स के ऊपर ये वर्क होगा. आई होप सो. आपको बस उसके पोकेमॉन के ऊपर जाना है, फिर यहाँ पे फॉलो का बटन आ जाएगा एंड बूम, आपका पोकेमॉन आपको फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा. ओके सो चलो देखते हैं. ओमी, आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन हैव अ रियल बैटल विथ माई ओन चाइल्ड, बट अ बैटल इज़ अ बैटल. आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर एज अ जिम लीडर टू विन. ओमी, यू बेटर गिव इट योर ऑल. ओके डैडी, या फिर मैं कहूँ मेरी गेम के डैडी. चलो देखते हैं. ओके पहला पोकेमॉन एक शाउटलैंड, जो कि आई गेस ये पूरा जिम नॉर्मल टाइप होने वाला है. सो मेरे लिए यहाँ पे एक चैलेंज होने वाला है, बिकॉज मेरे पास कोई भी फाइटिंग टाइप मूव वाला पोकेमॉन नहीं है. बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज़ रॉक स्लाइड, और ये काम कर रहा है, फ्लिंच हो रहा है पोकेमॉन. डैम नाइस प्ले रफ. ओके मेरे लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ. पहला पोकेमॉन डाउन. अब कौन सा पोकेमॉन आ रहा है? एक ड्राम्पा. ड्राम्पा के लिए मेरे पास सैलामेंस है गाइस, बिकॉज सैलामेंस भी एक ड्रैगन टाइप है एंड ड्राम्पा एक ड्रैगन एंड नॉर्मल टाइप होता है. सो या यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इजीली हरा दिया. आई गेस ये बैटल काफ़ी इजी होने वाली है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि कोई भी चीज़ को आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं लेना चाहिए. अभी आ रहा है एक स्लेकिंग. स्लेकिंग एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, जो कि हम लोग इसको आई गेस डेसिडुआ यूज़ करेंगे, बिकॉज डेसिडुआ एक गोस्ट टाइप है, तो इसके नॉर्मल टाइप मूव्स हमारे ऊपर हिट नहीं करेंगे डेसिडुआ के ऊपर. ओके इसने पोकेमॉन ही चेंज कर लिया, तो मेरे को भी पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा. आई विल यूज़ मकारगो, बिकॉज इसके पास वो मूव्स है जो कि स्टारैप्टर को डिफीट कर सकते हैं, लाइक पावर जेम. ओके क्रिटिकल हिट लगने के बाद भी मकारगो सर्वाइव कर गया. डैम मकारगो. और अभी कौन सा पोकेमॉन आ रहा है? अभी आई गेस स्लेकिंग आ रहा है, मैंने देखा नहीं, बट आई होप सो स्लेकिंग ही आ रहा होगा. ओके फिर से वी कैन यूज लीफ ब्लेड. फिर से पोकेमॉन चेंज कर दिया इसने. ओके चलो इसके कंगास्कान को भी हरा दिया काफ़ी इजीली. नाइस अब तो आई गेस अब तो ओके एमबी पॉम आ रहा है. एमबी पॉम को हराने के लिए आई गेस वी कैन यूज लेट्स यूज सैलामेंस. वी विल यूज फ्लाई. ओके वेट वन शॉट किल. नाइस अब आ रहा है कौन सा पोकेमॉन? लेट्स सी. अब आ रहा है एक स्लेकिंग. स्लेकिंग के लिए हम लोग इसी को रखेंगे. एंड गेस व्हाट गाइस, हम लोग ट्राई करेंगे इसको हराने का. ओके इसकी स्पीड मेरे से ज़्यादा है, मुझे नहीं पता कैसे, बट ओके लेट्स यूज साइकिक.
एंड बूम, हम लोगों ने हरा दिया है। नॉर्मन हार चुका है या फिर मेरे डैडी हार चुके हैं। ओके, हम लोगों को एक और जिम बैज मिल चुका है गाइस। आई गेस ये हमारा 6th जिम बैज है, आई होप सो। एंड हम लोगों को मिला एक लकी एक। पता है लकी एक के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। और मेरे को TM54 फॉल स्वाइप भी मिला, जो कि एक ओके TM है अगर आप लोग पोकेमॉन कैच करना चाहते हो तो। बिकॉज़ अगर ये आप लोग मूव यूज़ करोगे ना तो आपका पोकेमॉन एनिमी पोकेमॉन को या फिर वाइल्ड पोकेमॉन को एक HP पे छोड़ देगा, जिससे कि आपके ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग उसको पकड़ लोगे। ओके, हम लोग अभी यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं और पहले तो हील करेंगे पोकेमॉन को, एंड फिर उसके बाद आई गेस मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग करूँगा, वो भी एपिसोड में ही ट्रेनिंग करूँगा, बिकॉज फिर मेरे को आई गेस नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। या फिर अगर आज का एपिसोड ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ ना गाइज, तो हम लोग सीधा जाके चैलेंज कर लेंगे नेक्स्ट जिम लीडर को। लेकिन उससे पहले मुझे बस मेरे किसी एक पोकेमॉन को आइटम होल्ड करने के लिए देना है, वो जो कि अभी मेरे को मेरे डैड ने दिया आई गेस। यहाँ पे है क्या वो? नहीं, की आइटम में तो नहीं होगा आई गेस, वो यहाँ पे होगा लकी एक। ओके, मैंने एरोडैक्टाइल को दे दिया। अभी फ्लाई करके जाएंगे हमारी फेवरेट लोकेशन पे इस गेम के, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं हम लोगों को। चलो वहाँ पे जाएंगे। और मेरा पोकेमॉन पीछे से हट चुका है, बिकॉज जब भी हम लोग फ्लाई यूज़ करते हैं ना तो वो पोकेमॉन हट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपके सामने लाइव ट्राई करूँगा, ट्राई नहीं करूँगा, आपको करके दिखाऊँगा कैसे आप लोगों को ट्रेनिंग करनी है। मेक श्योर इस ट्रिक के लिए आपका एक्सपी शेयर ऑन होना चाहिए। वो कहाँ पे मिलता है यार? ओके, एक्सपी शेयर ऑन है ना? नहीं, मैंने अभी ऑफ़ कर दिया, इसको ऑन कर देते हैं। ओके, ऑन कर दिया है। अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे डेक्स नाउ पे जाना है, यहाँ पे आप लोगों को ऑडिनो को सर्च करना है। ये रही ऑडिनो, एंड गेस व्हाट, मेरा एलेक्सम रिटर्न आ चुका है। अभी बस मुझे इसको हराना है और देखो चमत्कार या फिर देखो जादू। ओके, इसके पास कोई तो बेरी थी, डबल स्लैब यूज़ कर रही है। लेट्स यूज़ आयरन हेड। अरे यार, ये सर्वाइव कर जाती है पोकेमॉन, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन 11,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला लिटरली, कोई हैक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो है बट कोई हैक तो नहीं है एटलीस्ट। ओके, चलो देखते हैं, बस एक और बार मैं कर लूँगा ये ट्रिक हर एक पोकेमॉन के साथ, एंड आई गेस हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लेंगे इस ट्रिक के साथ। एंड डिपेंड करता है ऑडिनो का लेवल भी कितना है, बिकॉज जितना ज़्यादा ऑडिनो का लेवल उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस। देखो कितना मिलेगा, अब मेरे को मिला 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एरोडैक्टाइल हो चुका है 53 लेवल का। डैम, एलेक्जाम भी 53 का हो चुका है। ओके, अभी एक काम करते हैं, दूसरे पोकेमॉन के साथ थोड़ा सा ट्रेन कर लेंगे। ये आइटम पहले तो मूव कर लेते हैं। अभी आएगा सेलेमेंस की बारी। ओके, एंड सेलेमेंस तू आ जा ऊपर, एंड वही ट्रिक ट्राई करेंगे हम लोग। इस एरिया के जितनी भी ऑडिनो हो सबको डिफीट कर देंगे। चलो देखते हैं, लेट्स यूज फ्लाई। अरे यार, मरती नहीं है पोकेमॉन, कोई ना। 10,000 एक्सपीरियंस, डैम यार ये कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे। और सेलेमेंस सीखना चाहता है फ्लेम थ्रोवर, आई गेस मुझे सिखाना चाहिए इसको या फिर फायर फैंग ठीक रहेगा। ऑब्वियसली बात है, फ्लेम थ्रोवर सिखाऊंगा मैं इसको। ओके, एक और बार अगर मैं फाइट करूँ ना ऑडिनो के साथ, सेलेमेंस के साथ, ऑडिनो के साथ सेलेमेंस को लेकर, तो आई गेस सेलेमेंस काफ़ी ज़्यादा लेवल में बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे अनलिमिटेड ऑडिनोज मिलती है गाइज, सो डोंट वरी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है, 43 है। लेट्स यूज ड्रैगन क्लॉ, ड्रैगन क्लॉ। ओके नाइस, और देखो कितना एक्सपीरियंस मिला, 11,000, फिर से 11,000। जब पहले टाइम 10,000 मिला था, लेकिन अभी 11,000 मिल चुका है, एंड 54 का हो चुका है हमारा सेलेमेंस। नाइस, मकार को 53 की हो चुकी है, और वो भी फ्लेम थ्रोअर सीखना चाहती है।
ऑब्वियसली बात है मैं लावा प्लूम हटा दूंगा, उसका पावर 80 है और इसका 90 है। तो बेसिकली मेरे दो पोकेमोन ने फ्लेम थ्रोअर सीखा आज के एपिसोड में। ओके नाइस, अभी किसको मैं ट्रेनिंग दूँ? लेट मी सी, पहले तो इस आइटम को लेते हैं। एंड आई गेस डेसिडो है तेरे साथ, मैंने बहुत टाइम से ट्रेनिंग नहीं की, सो तू ऊपर आ जा। एंड आई गेस इसके बाद हम लोग सीधा चैलेंज करने जाएंगे जिम को, बिकॉज फिर तो आई गेस ठीक ही है, ज़्यादा लेवल्स भी लेके मैं क्या ही करूँगा। अरे यार बेचारे का किस्मत ख़राब है, इसके नसीब में है कि नहीं ऑडिनो? अरे क्यों डेसिडो के साथ क्यों नहीं, ऐसा धोखा हो रहा है यार, ऐसा भेदभाव मत कर प्लीज़। ओके फाइनली मिल गई, ऊपर है आई गेस। ओके यहाँ पे लेवल 42 की, नाइस। लेट्स यूज लीफ ब्लेड, एक और लीफ ब्लेड, और ये लो हमारा काम हो गया। डेसिडो 53 54। ओके आई गेस इतने ज़्यादा लेवल हो गए, चलो कोई बात नहीं। अभी जाएंगे यहाँ से हम लोग, सबसे पहले तो पोकेमोन हील करना है तो टेलीपोर्ट हो जाते हैं पहले तो यहाँ से। ओके अभी हम लोग यहाँ से फ्लाई करके जाएंगे, बिकॉज पहले पोकेमोन हील कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं आई गेस कौन सा जिम बाकी है। वैसे देखा जाए तो अभी दो ही जिम बाकी है। एंड गाइज अगर आपके पास 6 जिम बैजेस हो गए ना, तो आप लोग यहाँ पर आके ये दूसरी नर्स जॉय से बात कर लेना, फिर टीच मूव में जाने के बाद ट्यूटर एंड एग मूव आपका ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप लोगों से ये नर्स जो है 3000 में, मतलब 3000 पैसा मांगेगी, लेकिन उससे आप लोग किसी भी पोकेमोन को एग मूव सिखा सकते हो। मैं नहीं सिखाऊंगा फ़िलहाल तो, बट या अगर आपको सिखाना है तो सिखा सकते हो। एंड अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों को फ्लाई करके जाना है। इवन तो इस गेम में फ्लाइंग टैक्सी अवेलेबल है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ खुद से फ्लाई करने का। ओके आई गेस आज के एपिसोड में हम लोग जाएंगे यहाँ पे मॉस डीप सिटी, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा लिलीको सिटी में। तो चलो सबसे नज़दीक रास्ता फोर्ट्री सिटी से है। मैं यहाँ पे आया था क्या? आई गेस, बट ठीक है पहले यहाँ से निकलते हैं, आई मीन इस सिटी से। एंड मेरे पास आई गेस रिपल्स तो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको मैं यहाँ पे मार लूँगा। आइटम्स में होंगे ना रिपेल्स? ओके सुपर रिपेल देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत सारे बाय करके रखे थे बिकॉज सम रीज़न। ओके यहाँ पे हम लोग टॉल ग्रास में भाग नहीं सकते, लेकिन अब मैं भाग सकता हूँ, और मैंने इन लोगों के साथ ऑलरेडी बैटल करके रखी थी, बिकॉज मेरे को तब लेवल ट्रेन करने का वो तरीका पता नहीं था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है इस गेम में कैसे लेवल को ट्रेन करना है पोकेमोन्स के, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ट्रेन कैसे करना है, और मैंने वो आपको दिखा भी दिया है। सो आई होप आप लोग वैसे ही ट्रेन करोगे। यहाँ पे देखो पोकेमोन की शैडो भी दिखती है, नाइस ना। ओके चलो यहाँ से जल्दी मेरे को आगे जाना है। रिपेल ख़त्म हो गया, एक और मार लेंगे, बहुत है अपने पास। ओके यहाँ पे मैं बैटल करना नहीं चाहता किसी के साथ, बट ठीक है आ जा कोई बात नहीं कर ले। ओके नाइस, एक डस्टॉक्स फिर से वही यूज़ करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पोकेमोन का डिफेंस ज़्यादा होता है और स्पीड भी ज़्यादा है। ओके डेसिडो 55 का हो चुका है, नाइस। एंड यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स हैं जिनके साथ मेरे को बैटल करनी पड़ेगी। लेट्स यूज स्पिरिट शैकल, ये गेम में मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मतलब यूनाइट में मैं ये बहुत मूव यूज़ करता हूँ, लेकिन इस गेम में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था। क्रोकोडाइल, ओके क्रोकोडाइल के लिए मेरे पास है लीफ ब्लेड। ये सर्वाइव कैसे कर गया, डैम। ओके मकार्गो आई चूज यू, एनर्जी बॉल भी है इसके पास। आर यू सीरियस? ओके कोई बात नहीं हरा दिया, लेकिन अब कौन सा पोकेमोन आ रहा है? एक एप्सोल, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी आई गेस। ओके होनी ही चाहिए। सेलेमेंस आई चूज यू, लेट्स यूज फ्लेम थ्रोअर। ओके बर्न कर दिया, नाइस।
ये भी गया नाइस। ओके हरा दिया मैंने। ये बड़ी बैटल थी लेकिन आई गेस आई होप ठीक ठाक ही थी, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं थी। जिंक मिला मुझे ओके। मैं यहाँ पे बैटल्स नहीं करना चाहता पता है, बिकॉज अभी मेरे पोकेमॉन्स डैमेज है थोड़े से, तो मैं यहाँ पे बैटल्स नहीं करना चाहता। प्लीज़ वहाँ पे देख ले, थैंक यू। आप भी वहाँ पे देख लो थोड़ा सा प्लीज़। अरे यार मेरे साथ धोखा हुआ। एक एक्सप्लाउड ओके। वेट यार इस पोकेमॉन के लिए पता है मेरे को मेरी टीम में ना एक फाइटिंग टाइप की बहुत कमी मतलब दिख रही है आई गेस। ओ माई गॉड ओके। अलकाज़ाम का फिजिकल डिफेंस बहुत कमज़ोर होता है। एक स्ले किंग ओके। प्री मरीना आई चूज यू। इसका ये वाला मूव बहुत ओपी है, मैं आपको दिखाता हूँ। चिप अवे आई गेस, ज़्यादा डैमेज तो नहीं करना चाहिए ओके। स्पार्कलिंग एरिया ये काफ़ी ओपी मूव है, और आई गेस इस ये पोकेमॉन का ये कुछ तो सिग्नेचर मूव है, जैसे कि ग्रीनिंजा का होता है ना वाटर शोरिकन, वैसे काइंड ऑफ। एक्वाजेट के साथ इसको ख़त्म कर देंगे। तो फिर से बच गया। इस पोकेमॉन का फिजिकल डिफेंस अपने ही लेवल पे है यार, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पोकेमॉन का लेवल अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड ये लोग खुद को क्यों मेरे साथ रजिस्टर कर रहे हैं, फिर नंबर ले रहे हैं मेरा। अरे पल के अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं अब सिटी में पहुँच चुका हूँ। एक बार बस पोकेमॉन हील कर लूँ तो मैं यहाँ पे भी फ्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज़ ये इस गेम का रूल है, अगर आपको किसी सिटी में फ्लाई करके आना है तो उस सिटी के नर्स जॉय से या फिर पोकेमॉन सेंटर से आपका कनेक्शन होना चाहिए ओके। अब मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे मॉसडीप सिटी जाना है, जो कि यहाँ से आगे जाने के बाद ही हम लोग जा सकते हैं, तो जितना हो सके उतना जल्दी जाएंगे। एंड सबसे पहली बात फिर से हम लोग रिपेल यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ओके। यहाँ पे बैटल्स भी है जो कि मुझे आई गेस करनी पड़ेगी, तो मैं वन बाय वन करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज डबल बैटल्स खाली फुकट में मैं नहीं करना चाहता। लीफ ब्लेड्स के साथ इनको काफ़ी ईजिली हरा देंगे, नाइस। ये तो आई गेस फेरी टाइप पोकेमॉन है, तो वो इसके पास क्या कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हरा दिया नाइस। अलकाज़ाम भी 50 का मतलब 55 का हो चुका है ओके। अरे यार तेरी इतनी दूर तक नज़र है ओके। एक लुमिनियन हार गई। डेसुडाई 56 का हो चुका है, डैम। मैंने किसको दे के रखा है आई गेस, छोड़ो यार मेरे को क्या करना है, वो मैं लकी एक की बात कर रहा था। मुझे यहाँ पे बैटल नहीं करनी किसी के साथ ओके। मैं यहाँ पे डाइव वगैरह भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई गेस मैं कर सकता हूँ ओके, मैं कर सकता हूँ जस्ट लाइक दैट, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं अभी इस गेम में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। मैं कहाँ पर आया हूँ ये, कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं मॉसडीप सिटी में। एक बार और रेपेल यूज़ कर लेते हैं एंड चलो देखते हैं। ये बंदा आपको आई गेस डायनामिक पन सिखाता है जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज मैंने भी एमरल्ड खेल रखा है। एंड आई गेस ये वाला जो घर है ना, ये स्टीवन का घर है। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक मेटाग्रॉस का मेगा स्टोन ओके। मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है, बट जिनको नहीं पता मेटाग्रॉस मेरा फेवरेट सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है ओके। बहुत तो क्या, चलो जिम में घुसते ट्राई करेंगे हराने का। इनके लेवल्स देख के पता चल जाएगा कि क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं ओके। आई गेस आई एम प्रिपेयर्ड। ओके लेट्स यूज डैम यार मेरे पोकेमॉन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है इनके सामने। कोई तो मूव सीख रहा है, ब्रेव बर्ड सीख रहा है ओके। मैं ऑब्वियसली बात है सिखाऊंगा ब्रेव बर्ड, इवन दो वो खुद को भी हर्ट करता है, बट आई गेस इट्स ओके। एंड ये जिम को कैसे बीट करना है मुझे पता है गाइस, यहाँ पर पहला भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे बेसिकली आपको बैटल्स कुछ करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप लोगों को मेन बैटल करने का मौका मिलेगा। आई मीन जो ट्विन ट्विन जिम लीडर है ना इनके,
उनको हराने का मौका मिलेगा, मौका मिलेगा आई मीन। लेट्स यूज साई शॉक। ओके डेसिडुआ आई गेस तू ही काफी इस जिम के लिए। ओके हरा दिया इसको भी, नाइस। अभी आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी आपको यहाँ पे आना है, इन लोगों को आपको हरा देना है थोड़े टाइम के लिए। ये एक पज़ल है यहाँ पे। ओके फ्यूचर साइट क्यों यूज़ कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब तक फ्यूचर साइट हिट करेगा तब तक तो तेरे पोकेमॉन डेड होंगे आई गेस। नहीं इस बार नहीं होगा बिकॉज इस बार थोड़े ज़्यादा पोकेमॉन है इसके पास। लेकिन डैम यार डेसिडुआ सारे पोकेमॉन्स को वन शॉट किल कर रहा है। इसके पास भी एक ग्रम्पिग है। ओके लेकिन हरा दिया इसको भी, नाइस। इन दोनों की जोड़ी अनबीटेबल है। ओके वेट यहाँ पे इधर जाने से क्या होता है। ओके मैं बाहर आ गया। ओके ये मैं नहीं करना चाहता था लेकिन ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पजल होगा, वो आपको बस अंडरस्टैंड करना है एंड फिर आप लोग सब कुछ संभाल लोगे, डोंट वरी। ओके आ जा तू भी फाइट कर ले। एग्जैटू स्पिरिट शैकल वन शॉट किल, नाइस। यार मेरे पोकेमॉन्स का लेवल देखो यार, इतना ज़्यादा लेवल्स हो रहा है ना। हाइड्रोपम्प कौन सीख रहा है? नहीं यार हाइड्रोपम्प का एक्यूरेसी कम होता है तो मैं नहीं सिखाऊंगा, बहुत रिस्की है वो। फैंटम फोर्स सही है ना यार, डेसिडुआ कितना ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा इस जिम में। तो एक काम करते हैं, मैंने जो किसी पोकेमॉन को जो लकी एक दिया है ना, आई गेस लकी एक इसी को दिया था क्या होल्ड करने के लिए, हाँ इसलिए उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा है। डैम बट सही है, यहाँ पे ये पज़ल आपको ये सॉल्व कर लिए हैं। ओके हो गई। इन शॉर्ट आपको ऐसा पज़ल सॉल्व करना है कि जैसे कि मैं बताता हूँ क्या करना है। इन शॉर्ट मुझे बैटल नहीं करनी तुम्हारे साथ। ओके थैंक गॉड। अब जो मेन है वो मैं करना चाहता हूँ, लाइक दिस। कर ले बैटल मेरे साथ। गार्डीवर ये फेरी टाइप भी होती है लेकिन स्पिरिट साइकिल इसके सामने भी सुपर इफेक्टिव होने वाला है, नाइस। लिटरली लेवल 60 की हो चुकी है मेरा पोकेमॉन। ओके आई गेस मुझे बैटल करना पड़ेगा इसके साथ। वेट अगर मैं अभी इसको ऐसे करूं तो मुझे किसी के साथ बैटल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डैम नहीं 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 थोड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ। मुझे ऐसे कुछ देखना पड़ेगा जिससे कि वो रोड भी ब्लॉक ना रहे एंड जस्ट लाइक दिस। ओके ओके वेट आई गेस इसके साथ करनी ही पड़ेगी मेरे को बैटल। ओके कर लेते हैं। ब्रेव बर्ड ओके इसका डिफेंस ज़्यादा है, कोई ना हरा दिया मैंने इसको। ओके आई गेस अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे यहाँ पे। ओके हो गया हमारा काम हो गया। और गाइस यही पज़ल मैंने बाद में सॉल्व किया था यहाँ पे, मतलब पहले सॉल्व किया था एंड अभी हम लोग आ चुके टेट एंड लीज़ा को हराने के लिए। मैं बस पोकेमॉन एक बार हील कर लेता हूँ बिकॉज हील करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने सुपर पोशंस भी बाय करके रखे हैं
ओके आई गेस आई एम रेडी। और किसी और पोकेमोन को मैं आगे रखूँगा, अलेकजाम यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता। आई गेस एरोडैक्टल भी सही है, सेलेमेंस के पास भी क्रंच है, एरोडैक्टल के पास भी क्रंच है आई गेस, तो चलो देखते हैं। ही वेर यू सरप्राइज दैट देर आर टू जिम लीडर्स। ये सब रिपीट कर रहे हैं, वी आर ट्विंस, वी डोंट नीड टू टॉक बिकॉज वी कैन टीच डिटरमाइन द अदर थिंग इज थिंकिंग ऑल इन अवर माइंड्स। ओके दिस कॉम्बिनेशन ऑफ आवर्स, कैन यू बीट इट? ऑब्वियस ही बात है, तभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे, एक झटके में हरा दूंगा। स्पिरिट शैकल और क्रंच, ओके ये सर्वाइव कर गया पोकेमॉन, लेकिन आई डोंट थिंक तू करेगा। ओके फिर से फ्यूचर साइड यूज कर लिया। ओके बट तूने किस पोकेमॉन के ऊपर फ्यूचर साइड यूज किया? बिकॉज डेसिडुआई को आई गेस हिट करेगा क्या? करेगा। स्टडी थी क्या एबिलिटी? नहीं। ओके इसको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा, लेकिन ठीक है। आई होप नाइस यार, डेसिडुआई का लेवल देखो गाइस, इतना ज़्यादा लेवल। सारे पोकेमोन को वन शॉट किल कर रहा है ये पोकेमोन। ओके एरोडैक्टल को पड़ा, फैंटम फोर्स यूज कर लेंगे एंड यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग क्रंच का। ओके ठीक है, लूनाटोन हार गया और ये आखिरी पोकेमोन इसका गार्डिवर जो कि था और गाइज हम लोगों ने हमारे दो पोकेमोन के साथ इन दोनों को हरा दिया है काफ़ी इजीली। एंड आज के इस एपिसोड में मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ हम लोगों ने दो जिम लीडर्स को हरा दिया है, दैट मीन्स अभी बस एक ही जिम लीडर बाकी है, उसके बाद एलीट फोर और ये गेम ख़त्म हो जाएगा। अब ये क्या मिला मुझे? एनेबल्स पोकेमोन होल्डिंग देयर मेगा स्टोन टू मेगा इवॉल्व। ओ डैम, मतलब अब मैं मेरे पोकेमोन्स को मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे पास इन पोकेमोन्स, देखो मैं देखता हूँ मेरी टीम में कौन से पोकेमोन मेगा इवॉल्व हो सकते हैं। लेट मी सी, देखो अलेकजाम तो मेगा इवॉल्व हो सकता है, एरोडैक्टल भी हो सकता है, डेसिडुआई नहीं हो सकता और सेलेमेंस हो सकता है। मेरे पास तीन पोकेमोन है जो कि मैं मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ, तो गाइज मुझे बताना मैं कौन से किसी, मतलब ऑब्वियस बात है मैं किसी एक को ही मेगा इवॉल्व कर सकता हूँ, तो मुझे बताना मुझे किस पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करना चाहिए। एंड अगर आपको उनकी लोकेशंस पता है उनके स्टोन्स की तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज एपिसोड, आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया। आज का एपिसोड काफ़ी बड़ा था, लेकिन ऑब्वियस ही बात है हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, हम लोगों ने लिटरली दो जिम लीडर्स को हरा दिया आज के, दो नहीं तीन, क्योंकि जो टेट और लीजा थे वो दो थे ना। सो या दैट्स इट फॉर टूडेज़ वीडियो, बाय, टेक केयर।